नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, आप सफ़ेद वाले राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड को कैसे बनवा सकते हो। जी दोस्तों, वैसे आपको तो होगा अंत्योदय राशन कार्ड से लाल वाला राशन कार्ड से इजीली आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो चुका है, जो है कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है जिसके पास भी लाल वाला राशन कार्ड है। लेकिन दोस्तों, अक्सर यहाँ पर लाल वाले राशन कार्ड कम से कम लोगों के बने हुए हैं, सफ़ेद वाले अक्सर सभी के होते ही हैं। आपके पास होता हो सफ़ेद वाला ही राशन कार्ड हो, और यहाँ पर आपको तो होगा आयुष्मान कार्ड बनवाने के कुछ ही तरीके हैं। या तो आपका आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में नाम होना चाहिए। लिस्ट में नाम किनका है? जिनकी 2011 जनगणना हुई थी, जिन लोगों की जनगणना हो पाई थी उन्हीं का नाम आया है। और साथ में अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो या फिर आपका अंत्योदय राशन कार्ड उससे बन जाएगा, या फिर आपका जो है लेबर कार्ड होना चाहिए तब बन जाएगा। लेकिन ये दोस्तों सारी कंप्लीट डिटेल नहीं होती, तीनों की डिटेल नहीं होती कंप्लीट। और सफेद वाला राशन कार्ड सिर्फ लोगों के पास होता है। और यहाँ पर वो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई सफ़ेद वाले राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, कोई तरीका बताओ प्लीज़, मुझे बनवाना है। तो मैं सिर्फ इसीलिए वीडियो से लेके आया हूँ कि सफ़ेद वाले राशन कार्ड से एक्चुअली में आप आयुष्मान कार्ड को बनवा के सकते हो, तरीका क्या है, कैसे इस्तेमाल करके बनवा सकते हो। लेकिन तो छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, अभी तक हमने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको दोस्तों इसी प्रकार का कॉन्टैक्ट मिलता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, सफ़ेद वाले राशन कार्ड से डायरेक्ट आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैं यहाँ पर लेकिन एक तरीका आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से बनवा सकते हो अगर आप बहुत परेशान हो चुके हो, मतलब एक्चुअली में आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने की आवश्यकता है, साथ में आपको कोई भी तरीके से काम नहीं कर रहा है ना ही बन रहा है, तो आप इस तरीके को ट्राई कर सकते हो। 100% दोस्तों मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ तरीके 55% या 60% चांसेस हैं कि आपका बन जाएगा। आप कैसे बनेगा आप गौर से सुनिए। देखिए, आपके पास सफ़ेद वाला राशन कार्ड है तो पहले आपको लेबर कार्ड को बनवाना पड़ेगा, मतलब लेबर कार्ड के ही जरिए आपके सफ़ेद वाले राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। क्योंकि बनता तो लेबर कार्ड से, लेकिन वहाँ पर पड़ता राशन कार्ड नंबर है तभी डिटेल फाइंड होती है। अब पहले लेबर कार्ड अभी तक आपका नहीं बना तो लेबर कार्ड को बनवा लीजिए, लेबर कार्ड इजीली बन जाएगा, खुद से भी बना सकते हो, मैं वीडियोस बना चुका हूँ, या आज तक कॉमन सर्विस सेंटर पर जाओगे वहाँ से बन जाएगा। बन जाने के बाद दोस्तों जब बनवाओगे कार्ड को तो वहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आता है, जब फॉर्म खोलोगे तो वहाँ पर राशन कार्ड नंबर जरूर डालें, उसके बाद ही जो है कार्ड को अप्लाई करें, जिससे आपका जो राशन कार्ड सफ़ेद वाला है वो यहाँ पर लेबर कार्ड में जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 महीने तक या फिर 2 महीने तक दोस्तों इंतजार करना है, थोड़ा लेबर कार्ड पुराना हो जाना चाहिए। उसके बाद आप ट्राई करोगे या फिर कहीं पर जाके बनवा भी सकते हो, जनसेवा केंद्र पर जाके या आसपास के नियरेस्ट सरकारी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हो, वहाँ भी बन जाएगा। ट्राई करके देख लेना, हो सकता है आपकी डिटेल फाइंड हो जाए और आपका कार्ड बन जाए। बाकी दोस्तों कोई तरीका है ही नहीं, जो मैंने तरीका था आपके लिए बता दिया है। सफ़ेद वाले राशन कार्ड से सिर्फ इसी तरीके से आयुष्मान कार्ड बन सकता है, बाकी कोई तरीका है ही नहीं। ना तो अभी आपका लिस्ट में नाम जुड़ेगा आयुष्मान कार्ड की, पूरा दोस्तों फाइंड कर चुका हूँ, डिटेल को पता कर चुका हूँ, अभी नाम भी नहीं जुड़ता है। और साथ में आपका जो है लाल वाला राशन कार्ड भी अभी नहीं बनेगा, जिनका पहले से बना है उन्हीं का बना है। और सफ़ेद वाला कार्ड है आपके पास तो लेबर कार्ड को ही बनवा लीजिए, एक यही तरीका है, आपका आगे चल बन सकता है और डायरेक्ट कार्ड नहीं बनेगा। जो तरीका था मैंने दोस्तों बता दिया है, आप कमेंट करके बताना आपका अभी तक जो है आयुष्मान कार्ड बन पाया या नहीं बन पाया, जरूर कमेंट करके दोस्तों बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच दोस्तों।